हाय एवरीवन, मेरा नाम विनोद साहब है और एक मैं मोबाइल टेक्नीशियन हूँ। तो आज का इस वीडियो में आपको बताएंगे, ये रेडमी का फ़ोन है 9 प्राइम, जिसमें प्रॉब्लम है रीस्टार्ट का। और ये जो प्रॉब्लम आया है ऑटोमेटिक आया है, कस्टमर का कहना है वो यूज करते करते और चलाते चलाते ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया, उसके बाद से दोबारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ये रीस्टार्ट मार रहा है, इसका मैंने बटन भी चेक किए हैं और बैटरी भी चेक किए, तब भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको हम चार्जिंग लगा के भी चेक कर लेते हैं कि चार्जिंग से ऑन होता है क्या। तो देख सकते हैं, ये चार्जिंग लगाने के बाद भी ये रेडमी का लोगो आ रहा है और जा रहा है, लोगो आ रहा है और जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, कैसे आया है, कहाँ से है, तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को देखें और बने रहें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपका इच्छा हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देंगे और हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ से। ये जो फ़ोन से ये फर्स्ट हैंड है, अभी कहीं खुला नहीं था और मैं पहली बार रिपेयर कर रहा हूँ इस फ़ोन को, और ना ही किसी दूसरे ने किया है। तो एक बार हम आपको चेक करा देते हैं इसका जो बैटरी का वोल्टेज कितनी है, क्योंकि बैटरी को मैंने ऑलरेडी इसका शॉर्ट करके कर चुका हूँ, और जो इसका फ्यूज होता है उसको मैंने शॉर्टिंग किया है पर काम नहीं बना। तो एक बार हम इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि इसका वोल्टेज कितना है। तो इसको वोल्टेज मोड पे रख के वोल्टेज चेक करेंगे और इसको देखिए, हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है वो 3.7 है, लगभग चार्जिंग है। इतने में तो फ़ोन ऑन होना चाहिए पर ऑन हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसमें, तभी ऐसा दिक्कत आ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम जो है वो मुझे तो लग रहा है, जो प्रॉब्लम वो तो मैं समझ रहा हूँ कहाँ से है। तो आपको एक बार हम दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। ये प्रॉब्लम जो है कई तरह से आती है, प्रॉब्लम सीपीयू से भी हो सकता है, 4GPU से भी हो सकता है, और थर्मिस्टर से भी हो सकता है, पावर से भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये सब जो है कैमरा हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हीटिंग में मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए रिमूव करके हम कोशिश करेंगे। तो ये बोर्ड जो देख रहे हो, ये पूरा फ्रेश बोर्ड है, क्लीन है, अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। तो ये जो फ्रेश बोर्ड है, मैं गारंटी के साथ इसको बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे फोन्स बनाने में मज़ा आता है प्रॉब्लम को। तो ये जो अभी है दिक्कत, ये जो दिक्कत है ये कहाँ से है अभी हम फाइंड करेंगे। एक बार इसका मदरबोर्ड को हम पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लेते हैं और इसको, ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर थर्मिस्टर का ही रहता है, जहाँ तक मेरा मानना है। ये थर्मिस्टर की वजह से, जो जिसको हम एनटीसी रजिस्टर भी कहते हैं, ये मदरबोर्ड में 2 या 3 लगे हुए रहते हैं, और ये एनटीसी रजिस्टर का काम है, वो हीटिंग को सेंस करता है बोर्ड का, जिसके वजह से वो वीक हो जाता है, वो ड्राई भी हो जाता है, इसका जो मान है वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से हमारा प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो एनटीसी रजिस्टर है ये 4GPU के पास होता है, और मैं ये जो अभी
मैं जो अभी ये शील्ड निकाल रहा हूँ तो ये 4G IC है, जिसको 4G PA पावर एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो इसको हम प्लग्स लगा के एक बार शील्ड को निकालेंगे। शील्ड निकालने के जो हमारा अभी फिटिंग है 320-325 के इसमें है, 857 DW प्लस है हमारा हॉट गन। मैं अभी हीटिंग उसको 325 दिया हूँ और इसका एयर 3 पे रखा हूँ, जो हमारा ये गाड़ी का शोर शराबा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो जाने दो अपने अपने। तो ये स्टील जो है पतरा है, इसको हम कटिंग करेंगे नहीं, इसको हीट गन से ही निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए बहुत केयरफुली निकालना पड़ता है, तो आराम से निकालें, क्योंकि ये जो एरिया है नेटवर्क सेक्शन का एरिया है, अगर एक भी पार्ट्स एक भी कंपोनेंट्स इधर उधर हुआ तो हमारा नेटवर्क में दिक्कत आ सकता है, तो इसलिए केयरफुली निकालें। थोड़ा टाइम लगता है निकालने के लिए, पर ये अच्छे से निकलता है, इसलिए अच्छे से निकालें। तो हमारा लगभग ये निकलने वाला ही है, ये भी देखिए निकल गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपना सॉल्यूशन लिखें, अपना प्रॉब्लम लिखें और कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं वीडियो बहुत जल्दी डाल नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाती है, पर आज मैंने सोचा एक वीडियो डाल देता हूं। मैं ये जो कैमरा अभी शूट कर रहा हूं वो मोबाइल फ़ोन की कैमरे से शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने माइक्रोस्कोप का कैमरा तो ले रखा हूँ पर सेटअप नहीं कर पाया हूँ। तो ये देख सकते हो कि हमारा जो 4G IC है, ये सिम कार्ड के ऊपर का जो ब्लैक सा दिख रहा है ये वाला, जिसको हम 4G PA भी बोलते हैं, पावर एम्पलीफायर, ये हमारा नेटवर्क का काम करता है। ये देखिए मेरा नोजल जहाँ जा रही है वो सेकेंड वाला ब्लैक वाला जो दिख रहा है, उसी को हम NTC PA, जिसको हम थर्मिस्टर भी कहते हैं, 4G PA भी कहते हैं, इस PA में, इस रजिस्टर में एक वोल्टेज आती है 1.8 की, जो हमारा PA अगर ख़राब हो जाए, ये सॉरी NTC ख़राब हो जाए किसी कारण, या हीटिंग के कारण, या ड्राई हो जाए, या इसका जो मान है जितने मान की ये लगाई गई है वो मान में अगर कम ज़्यादा हो जाए, तब भी हमारा रोल हमेशा आता है, क्योंकि ये वोल्टेज को आगे पास नहीं होने देती है 4G PA को, तो जिसके वजह से हमारा 4G PA प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो रिस्टार्ट मारने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है, हम ये NTC रजिस्टर को निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है इससे ठीक हो रहा है या इसके आगे हमें काम करना पड़ेगा। तो मोस्टली देखा जाए ये रजिस्टर से ही दिक्कत आती है, और इसके निकालने के बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता है तो फिर आपको स्टेप चेक करना है। ये 4G PA की वजह से भी आता है, CPU की वजह से भी आता है, पावर की वजह से भी आता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं, पर जो हमारा पहला स्टेप है ये NTC रजिस्टर का, तो इसको हम पहले रिमूव करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारा फोन्स ठीक होता है कि नहीं। तो हम इसको अभी हॉट गन से नहीं निकाल रहा हूँ, ये मैं आयरन की मदद से उसे रिमूव कर रहे हैं। तो मेरा जो आयरन है ये 3-10 है, जिसका टेम्परेचर मैंने 360 में रखा है,
और इसको हम इसको निकालेंगे, आपको एक बार इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत छोटा और बहुत माइनर होती है पर काम बहुत बड़ा करती है, क्योंकि ये एक छोटे से पार्ट्स है। अगर एक छोटा सा रजिस्टर है ये ख़राब हो जाए तो आपको फ़ोन को पूरा डेड कर सकता है, क्योंकि इसका जो लाइन है ये 1.8 की लाइन है जो नेटवर्क सेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। अगर ये वोल्टेज ना मिले तो अब मेरा जो दिक्कत है ये आती रहेगी। तो आपको दिखाने की कोशिश करता है, ये मेरा उंगली में दिख रहे है, ये थर्मिस्टर है जो पूरा बोर्ड को बंद कर देती है अगर ये ख़राब हो जाए तो। तो मेरा पहला स्टेप यहीं से था कि इसको निकाल के एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो काम है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हुआ है या दिक्कत और है। उसके बाद हम इसको फिर बनाएंगे। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है मोस्टली तो आता थर्मिस्टर से ही है। वो रेयर केस में वो सीपीयू और 4GPIA का प्रॉब्लम आती है। तो एक बार चेक कर लेंगे, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे और फिर कैसे बनाना है। पर एक बार हम अगर चेक करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है अक्सर रेडमी के फ़ोन में, पोको फ़ोन में आते रहते हैं। अभी हम चेक करते हैं एक बार चालू करके। हमारा जो पावर की है वो तो मैंने चेक किया तो वो ओके है। और ये देखिए हमारा जो रेडमी का लोगो था वो आके जा रहा था, तो अभी तो स्टेबल हो गया है और कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ेंगे। एक बार रिस्टार्ट मारेगा क्योंकि ये जो किसी ने इसको हार्ड रिसेट करने की कोशिश किया था पर हुआ नहीं। तो अभी MIUI के लोगो आ गया, मतलब हमारा जो फ़ोन है 90% सही हो गया है, 80%। ये देखते हैं पूरा ऑन होता है क्या नहीं। और ये देखिए मेरा फ़ोन अभी बिल्कुल ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ये जो प्रॉब्लम है एक थर्मिस्टर के वजह से आया था, जिसके वजह से पूरा फ़ोन को डेड कर दिया था। तो ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। ये पावर की वॉल्यूम का भी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है पर इसको हम चेक कर लेंगे। पर हमारा जो मेन फंडा था वो ओके हो गया है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और थैंक यू एवरीवन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम दिखा सकते हैं कि बोर्ड वही है, फिर आप बोलेंगे कि दूसरा बोर्ड डाल दे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।